हेलो। और बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, चलिए क्लास फिफ्थ। है ना बेटा, कल हम लोग क्या कर रहे थे बेटा? नाउन में नाउन नंबर कर रहे थे ना हम लोग। नाउन नंबर में हम लोगों ने देखा सिंगुलर टू प्लूरल, ठीक है ना। सिंगुलर और प्लूरल जो होते हैं, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये तो नहीं, हम लोगों ने ये नहीं देखा था सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये आगे आपके कोर्स में शायद है कि नहीं है, लेकिन हम लोग क्या क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग कुछ वर्ड लेंगे जिनका प्लूरल क्या होता है, उसको हम लोग लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे सिंगुलर और दूसरी तरफ लिखेंगे उसका प्लूरल, ठीक है बेटा। तो आप लोग इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा और उसको लर्न भी करना है। जब टेस्ट होगा तो आपसे यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो पहला तो एक देखिए, थोड़ी सी चीज़ें मैं लिख देता हूँ आपके इसमें। पहला आप लोग लिखोगे एडिंग एस, ठीक है। एस जोड़कर सिंगुलर प्लूरल बनाए जाते हैं। सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। कुछ वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, केवल एस जोड़ के उसे सिंगुलर या प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। चलिए सभी बच्चे नोट करेंगे। जैसे हमने लिखा बनाना, ठीक है। बनाना का क्या होगा, बनानास। ठीक है, हमने लिखा हॉर्स, क्या होगा, ठीक है। प्राइस, ठीक है। प्राइजेस नोट करते जाइएगा। बीज, बी मतलब मधुमक्खी, बीज मतलब मधुमक्खियाँ। डे, डे का मतलब दिन, क्या हो जाएगा, डेज। की का मतलब चाबी, कीज। टॉय, टॉयज। ठीक है बेटा, ये इतने हो गए जिसमें हम कुछ, ऐसा नहीं है कि यही इतने वर्ड हैं, बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें हम केवल एस लगा करके उसको प्लूरल बना देते हैं। जैसे आप ले लीजिए ये, जैसे ये पेन है, क्या हो जाएगा, पेंस, ठीक है। और जैसे हमने ले लिया फैन, क्या हो जाएगा, फैंस। तो ये पार्ट तो बहुत इजी होता है ना। दूसरा वाला देखते हैं हम लोग, इसमें लोग लिखेंगे थोड़ा सा और लेते हैं इसी के आगे, रूम, क्या हो जाएगा, रूम्स, ठीक है। डोर, डोर्स। नेल, नेल्स। स्टार, स्टार्स, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतने आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं मिटाता हूँ, फिर थोड़ा सा और आगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम, आप लोग वीडियो को पॉज करके फिर लिख लीजिएगा, ओके। दूसरा हम लोग लिखेंगे एडिंग ई एस, क्या होता है, हम लोग ई एस जोड़ के भी सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है बेटा।
ईएस जोड़कर भी सिंगुलर प्लूरल बनाया जाता है। आइए चलिए, जैसे हमने लिखा गैस, क्या है गैस, ध्यान दीजिएगा गैस, गैसेस, बेंच, बेंचेस, बॉक्स, बॉक्सेस, ब्रश, ब्रशेस, टैक्स, टैक्सेस, ग्लास, ग्लासेस, ठीक है। ऐसे क्लास एक और लिख लो, क्लास क्या हो जाएगा, क्लासेस, ठीक है। तो देखा बेटा हमने, क्या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ईएस लगाकर भी उसको प्लूरल बनाया जाता है। आप देखो गैस है, यहाँ पे ईएस लगा, ईएस लगा, ईएस, 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 ठीक है। तो ऐसे हैं जिनको हम ईएस लगा करके भी बनाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो जिनके अंत में एस होता है, ठीक है। हम लिख देते हैं आपको, जिनके अंत में एस होता है, डबल एस होता है, सी एच होता है, एस एच होता है, और एक्स, जिनके लास्ट में ये वर्ड होते हैं उनके अंत में हम ई एस लगाते हैं, ठीक है। आप ये लिख लीजिएगा चाहे तो, ओके। चलिए तीसरा, नहीं सर, तीसरा लिखेगा आई ई एस, ठीक है। एडिंग आई ई एस, आई ई एस जोड़कर बनाया जाता है। चलिए जैसे सिंगुलर प्लूरल बॉडी, तो क्या हो जाएगा बॉडीज, ठीक है। ड्यूटी, ड्यूटीज, आर्मी, आर्मीज, ठीक है। फ्लाई, फ्लाइज, बेबी, बेबीज, ठीक है बेटा। अब आप एक चीज देखिएगा, एडिंग आई ई एस, हम आई ई एस कब जोड़ते हैं, जैसे इसका तो हमने लिख दिया कि एस डबल एस सी एच एस एच एक्स होता है, तो हम क्या करते हैं ई एस लगाते हैं। लेकिन हम आई ई एस कब लगाते हैं, आई ई एस देखिए, जब हमारा नाउन के लास्ट में वाई हो, क्या हो, लास्ट में अगर वाई है, ध्यान दीजिएगा, और वाई से पहले देखिए, अगर कोई नाउन वाई पे है, कोई नाउन है उसका लास्ट, लास्ट का जो है लेटर वो वाई है, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस वाई को हटा देते हैं, और वाई को हटा के आई ई एस कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखा हमने बॉडी, हमने कहा बॉडी का प्लूरल क्या होगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि लास्ट में वाई है। अब जब वाई है तो वाई के पहले क्या है, डी, कॉन्सोनेंट, वावेल नहीं है, तो जब कॉन्सोनेंट है तो आप वाई को हटा दो और वाई की जगह पे क्या लिख दो, आई ई एस, ठीक है, बस इतना ही करना है।
एक और बचा है फोर्थ वाला, उसको कर लीजिए, मिटा देते हैं। वी ई एस क्या बेटा? वी ई एस, एडिंग वी ई एस, तो इसमें क्या होता है सिंगुलर देखिए, प्लूरल। जैसे हमने लिखा लाइफ, तो क्या हो जाएगा, लाइफ का भी दिखाते हैं, वाइफ, ठीक है, लीव, वूल, ठीक है बेटा। अब क्या होता है कि जब आप देखो कि लास्ट में एफ ई है, क्या है, एफ ई या केवल एफ या फिर केवल एफ, तो कैसे बनाते हैं इस एफ ई को, एफ ई या एफ को हटा दो, एल आई एफ ई है, एफ ई को हटा दो तो क्या है एल आई, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा वी ई एस, ठीक है। वाइफ का क्या हो जाएगा डब्ल्यू आई वी ई एस, वाइफ्स। लीफ का क्या हो जाएगा एल ई ए वी ई एस। उल्फ का हो जाएगा डब्ल्यू ओ एल वी ई एस, उल्फ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अगली बार हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, तब हम आपको और अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे, ओके बेटा। तो आप लोग अपने मन से भी कुछ वर्ड जो है आपका काम है, आप उसको सर्च करिए और इस तरह के वर्ड लिखिए, ठीक है। तो यही आपका होमवर्क भी है, आप इसको नोट कर लीजिए। और इसके अलावा आप नाउन से प्रोनाउन बनाने की कोशिश, सॉरी सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाने की कोशिश करिए, ठीक है बेटा। और सभी लोग फ़ोटो खींच के ज़रूर भेज दिया करिए, ओके। चलिए, थैंक यू।